तो गाइस पहले मैं स्टेटस वीडियो डालूंगा, फिर मैं अपना कंटेंट चेंज करके उस पर वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों ऐसा काफ़ी यूट्यूबर यूट्यूब पर कर रहे हैं कि पहले वे स्टेटस वीडियो डालते हैं और उसके बाद वे अपना कंटेंट चेंज करते हैं जब उनके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा काफ़ी यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे नए जो क्रिएटर है वे ऐसा कर रहे हैं, पहले स्टेटस वीडियो डालते हैं, जो कि आप स्टेटस वीडियो जैसे ही डालते हैं तो आपका जो चैनल है वो कुछ ही दिनों में बूस्ट हो जाता है, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आप स्टेटस चैनल से फिर दूसरा कंटेंट चेंज करते हैं उसमें काफ़ी गलतियां होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि स्टेटस चैनल से जो कंटेंट चेंज करते हैं उनके चैनल पर व्यूज डाउन क्यों होते हैं। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि ऐसी टैग रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे गाइस मैंने बताया कि कुछ स्टेटस चैनल बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर और उसके बाद वे कंटेंट चेंज करते हैं। दोस्तों मैंने ये खुद भी देखा है जो कि ऐसा हो रहा है। जैसे कि आप स्टेटस चैनल बनाते हैं, स्टेटस चैनल पर आपका जो चैनल पर व्यूज तो आने लगते हैं, आप स्टेटस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे या अपने जो भी टू सेटअप वेरिफिकेशन और कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह तो सब कुछ पूरा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल रिसीव्ड कंटेंट आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा काफी क्रिएटर के साथ हो रहा है और वे ऐसा कर भी रहे हैं। अब दोस्तों नए क्रिएटर सोचते हैं कि मैं पहले स्टेटस वीडियो डाल के अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा कर लूं, फिर उसके बाद मैं अपने चैनल पर दूसरा कंटेंट चेंज कर दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और दोस्तों जो आपके व्यूज है वे भी आपके डाउन हो जाएंगे, आपका चैनल डेड हो जाएगा। मान लीजिए आपके जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे तो आपने कर लिए, लेकिन जैसे ही आप अपना कंटेंट चेंज करते हैं आपके जो व्यूज है वे डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपके वे व्यूज देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वे तो स्टेटस वीडियो देखना पसंद करते हैं जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। इसलिए आपको अपना शुरू से ही कंटेंट अपना वही रखना है जिस पर आप आगे वीडियो डाल सके और अपना कंटेंट बना सके। तो दोस्तों आपको स्टेटस वीडियो या किसी और चीज़ के तरीके में नहीं जाना चाहिए, आपको अपना ही कंटेंट लेना चाहिए। अगर आप अपना कंटेंट लेओगे तो आपका जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे होते हैं 12 मंथ के अंदर, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा 100%। अगर आप दूसरे का यूज करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये हमारी 100% गारंटी है। अगर आप स्टेटस चैनल भी बनाते हैं और उसके बाद में कंटेंट चेंज करते हैं तो जो आपके चैनल पर व्यूज है वे आपके डाउन हो जाएंगे, आपके व्यूज इंक्रीज नहीं होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।